एसबीआई पीओपी बिल्कुल आपके सर पे आके खड़ा है, और पीओपी में इस बार आपका क्या सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए ताकि आपका प्री क्लियर हो जाए? अगर आप पिछले कुछ सालों को देखोगे और उसका एनालिसिस करोगे तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि सेक्शनल कट ऑफ हमारा कोई भी एसबीआई पीओपी में नहीं होता है। मतलब हमें बस ओवरऑल अपना अटेम्प्ट अच्छा लेना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100% एक्यूरेसी ले लो, बट अगर आपने एक्यूरेसी अच्छा मेंटेन करा और आपका स्पीड अच्छा है तो आप पीओपी बिल्कुल एक अपना स्ट्रेटेजी और एक टारगेट लेके चलो तो क्लियर हो सकता है। सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए? आप अगर पिछला साल का कट ऑफ निकाल के देखोगे प्रीलिम्स का, तो आपका 59, 63, 56, 57 यही कट ऑफ जाता है। लेकिन इस बार जो पीओपी है, जिस तरीके से हम लोगों ने पैटर्न देखा है आईबीपीएस में कि हमारा जो कट ऑफ है वो डाउनफॉल हो रहा है। डाउनफॉल होने का बस एक रीजन है कि आपका जो टफनेस है, जो एग्जाम का लेवल है, उसको इंक्रीज किया गया। सेम चीज अगर एसपीआई में भी एग्जाम का लेवल इंक्रीज होता है तो हमारा कट ऑफ ऑब्वियसली बात है कि गिरेगा। अब एग्जाम का लेवल अगर इंक्रीज होता है तो आप कितना टारगेट लें और आप कैसे इस एग्जाम को क्लियर करोगे? 100 नंबर है, 100 नंबर आपको बनाना नहीं, आपको कितना बनाना है? 65 to 70 बस। 65 भी मैं अगर टारगेट लेके चलूं तो मेरा एग्जाम बिल्कुल क्लियर होगा। 65 कैसे कर सकते हो? दो पेपर ही अगर आप अच्छा कर लो, ठीक है, आप तीसरे पेपर में भी अटेम्प्ट ना लो, तीसरे पेपर में आप स्कोर भी ना करो अच्छा, फिर भी आपका एग्जाम क्लियर होगा। लेकिन ऐसा कहने वाली बात है होगा नहीं। आप इतना मान के चलो कि आपको 100 नंबर में बस 65 नंबर बहुत अच्छे से एक्यूरेसी के साथ लगा के आना है और ये एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। तो सेफ अटेम्प्ट और टारगेट ये लेके चलो, ठीक है, फिर देखो आपको प्री एसपीआई पीओ प्री क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो पिछला जो चीज आप एनालिसिस करते हो ना, उससे आपको ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और जो रूटीन, जिस तरीके से अभी एग्जाम का पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो ट्रेंड अभी यही चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स।